फूल करे हर कौन करे मेरी सब जरूरता पूरियां देखी तक दे आज गुना मेरे मैं ता तक दा रहमता तेरिया फरियाद पीड़ा दिया पीड़ा हो मेरी अर्ज सुन कन धर के मेरा ता बेड़ा दुखी भग सागर दे क्योंकि जिथे मछली बहन मेरे डर के मेरी खबर लई छट करके मैंने सुना कि उस बेरे खतरा कदा जिथे आप खड़े बंद खड़े ओ भी अखियां का दिया अखियां ने जिन्ना नार पीर दे गुरदियार जड़िया जिरदा सल ओता इक बारी जुड़िया थली उठा एक बारी पाने लख मेरे कदी मुखियारी हर मैं हजूर का जो पला ओता किसी भी कल तो खुदियारी जिन्ना बेड़िया का गुरु भला होवे ओता बेड़िया कदे भी रुकियारी मेले तुझे तीर ना जावे दसो ओ पीर की करना आदि मिलिया जे हिदायत ना आवे दसो ओ हादी की करना मुर्शिद मिलिया मुर्शिद मिलिया जब मैं शांति नहीं मुर्शिद मिलिया जब मैं शाद नहीं ओ मुर्शिद की करना सिर्फ किया जिसे हक होश न होवे ओते मौत मुझे गुजरना सदके जमा मैं तेरे सदके जमा मैं तेरे सदके जमा मैं तेरे अक्षर मनोरे वाले जमा मैं तेरे अक्षर मनोरे वाले सदके जमा मैं तेरे अक्षर मनोरे वाले सदके जमा मैं तेरे सदके जमा मैं तेरे बिछड़े मनाने वाले हो अमुलकर बबक परस्ते हो अमुलकर बबक परस्ते हो अतरा बतौरे लाने मन कर जब तो भरा
नमाज अदा हो जाती है जो मुड़े नक्शा ना हो गए पड़ी होगी गला हो जाती है। प्रीति पे है शीशे में अरे प्रीति पे है पैमाने मस्ती तेरी नजर में है मस्ती तेरी नजर में है नजर बनौने वाले मस्ती तेरी नजर में है नजर बनौने वाले मस्ती तेरी नजर में है नजर बनौने वाले मस्ती तेरी नजर में मैंने हर चीज तुमको देखे मोहम्मद हर चीज तुमको देखे मोहम्मद अल्लाह हर सूर से मोहम्मद अल्लाह कर बैठो तेनू रब सुना मार दुनी सुर अल्लाह सदके जमाने सदके जमाने मेरे पास जा वैसे तो जिन्हें तुझे करो वो नहीं है पर तुम्हें तक करके ना आएगी मैं तो कह रही हूँ हाँ जहाँ पहुँचे ना फरिश्ता हमरा ही इस मंजिल के जहाँ पहुँचे ना फरिश्ता पर मान को हो तुम हमारे मान को हो तुम हमारे मंजिल पहुँचाने वाले मान को हो तुम हमारे मंजिल पहुँचाने वाले मालिक बंद हमारे मंजिल बचाने वाले मालिक बंद हमारे मंजिल बचाने वाले सदके जमा मैं तेरे आज शरीर मनौने वाले सदके जमा मैं तेरे शरीर मनौने वाले सदके जमा मैं तेरे हो जाए मुर्शिद देख लगा नाल लख लख अखियां अखियां तो भी मैं सबर नया वे दस होर पुते बल
जे मुर्शिद दा दीदार हो जाए ओजर लखा ते करोड़ा सजा आपे आप तमाशा करके हुण आप ही देखण आया एक अगम दे जाहर होवे हुण छिपदा नहीं छिपाया शाला होती रब देखो बंदा मन को आया जग देखिए हज मनगूर हो जग पल के जगान है जग पल के जगान है हर दरगाह में रो नूर हो जग पल के जगान है हर दरगाह में मैं खाने तो शरा आती सी बिचाले चाव कट रहे हो गए तो कभी इधर आ कुछ कभी इधर आ मैं कुल करा थी शरा इश्कुल आखल लगी अदब सलाम बला के शरा इश्कुल आखल लगी अदब सलाम बला के बेटी साधी कित गल नहीं सुनदा बिच मसीती आके साधी कित गल नहीं सुनदा बिच मसीती आके इश्क ते मन करिए अड़िए तेरी गल बेच नहीं आउंदी असि अजान शहर बिच रहंदे गुंबर संगल पौंदे असि अजान शहर बिच रहंदे गुंबर संगल पौंदे असि अजान शहर बिच रहंदे गुंबर संगल पौंदे अजा का बात है
ਕਿਆਤੀ ਤੇਰੀਏ ਅੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੂਹੇ ਕਾਟਾ ਕਾਬਾਨੀ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀਏ ਅੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੂਹੇ सब पुरुष दिया सा घर यार का घर है जो मैं तुम उसके दोस्त पामन गे अग दोस्त की जीव कहे चमन गे शरा तेरी जो मैं छोड़ कर किसके दोष के पाम बन गए अग दोष की जीव कहे ओदे बिच मचावन गे इश्क कहदा नी जिथे आशिक पहुंचन दोष तो बहिष्ट बना बन गए जेड़ी इश्क दी अग बिच मच गए ने मचिया नू क्या मचा मन गे माजा का भाती आप फरमाते हैं कि बंदियों के अंदर सच्ची मस्जिद है वह मस्जिद जो बलियों के अंदर है सबके सजदा करने की जगह होती है क्योंकि वहां खुदा प्रकट होता है। जब किसी प्रेमी का संबंध किसी ऐसे सच्चे संत से पड़ जाता है तो वह उसका दीवाना बन जाता है। उसको सब मंदिर मस्जिद और उनकी रूपें भूल जाती हैं और शरीयत के बंधन टूट जाते हैं। संतों की सूरत और उनका दरबार भी हर समय आंखों के सामने रहता है। वह संतों के दीदार के लिए तड़पता रहता है और एक मिनट का बिछोड़ा सह नहीं करता। उनके खंडक भरे दरबार में रहने के लिए सदा तरसता रहता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मुर्शिद की चौखट के चारों ओर उसके इश्क के दीवाने इस सिदक के साफ मुंह करते हैं जिस तरह हाजी लोग हज पर काबे की परिक्रमा करते हैं। वे वहां पर एक खास नूर देखते हैं। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर मुर्शिद का इश्क है, मुझे कुफर और ईमान से क्या काम, उसके फिराक के दर्द में बेहाल हूँ, मुझे मिलाप और बिछोड़े की सूझ भी नहीं। मुर्शिद का आदमी मुझे काबे की मेहराब दिखाई देता है, मुझे और किसों से क्या वास्ता। प्रेमियों का मजब मालिक के प्रेम में मस्त होना है और उसकी एकता की शराब को पीना है। दुनियादार और इबादत करने वाले प्राय आम तौर पर उनके खिलाफ रहते हैं और उन्हें बहुत बड़ा गुनाहगार समझते हैं। ख्वाजा हाफिज साहब ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि प्रेम का नशा पीने में कोई गुनाह नहीं, यह ऐसा नशा है जिसके पीने से कोई खराबी नहीं होती। यदि ऐब है भी तो क्या हुआ, बेहद इंसान कहाँ है। फिर सुनाते हैं कि जब मुर्शिद ने मस्जिद छोड़कर मैं खाने का रास्ता अपना लिया तो अब हमें कुबला और काबा से क्या तात्पर्य। भाई शीर रोज मानेंगे इनका रास्ता ही लग गया।
सच्चे आशिक ऐसे लोगों की असलियत को जानते हैं। उनकी पूजा की जगह उनके लिए माया का व्यवहार ही बनी हुई दिखाई देती है और प्रेम से खाली नजर आती है। ठीक है, हेलो आए सनी आया दादाजी पानी वास्ते लेने ऐसे उन्हें पैसे ले ले 500 ले ले फिर ले ले जिन्ने मास गुरुद्वारे ने कहा माया थे हाल बुरा होया कहना ये है जानी गिरफ्तारी में पड़ा होगा आशिक सोई जो इश्क की गिरफ्तारी में पड़ा होगा जब जब दूत आएगा आशिक तो पहले मरा होगा जब जब दूत आए आशिक हंस के बोलेगा गली मेरे दीदी ही आशिक का ओते मरा होगा शरा के जो मैं खबर कर रिश्ते दोस्त के पवन गो अब देख दीदी कहो ओरे बुझे में जामर गो इश्क कहना नहीं जितने आशिक पहुंचो देव तो भी हिंसते ब्राह्मण गो मेरे इश्क भी अब तो बुझे मच गए ने मचिया में क्या मचामर गो शरा के नहीं सोच के बोली जान में कब्र का पानी आर खड़े जब पुरजा वाले दे होगा कौन जवाब पानी इश्क कैद भी ऐसी सदा कब्र ची रेंदे कीता खत्म साबानू साढ़े पीने का खाब वाले पर कई पारता तू चकी बुरी किताबानू साडा सच्चे प्रेमी को प्रेम के आगे कोई चीज नजर नहीं आती। उसका घर बार धन दौलत धर्म ईमान सब प्रीतम का ही है और वह प्रीतम का ही पुजारी है। परंतु शरीर और पेट के मारे लोग उनकी तकलीफों पर तकलीफें देने में लगे रहते हैं। इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि हजरत मोहम्मद साहब को मक्के से निकाल कर मदीना भेज दिया, उनके दांत तोड़ दिए गए, हजरत मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया गया, पलटू साहब को मौलवी और पंडितों ने जीवित हुई चिता पर चढ़ाकर जला दिया, श्री गुरु नानक साहब को सारी उम्र कुरालिया कहते रहे, हाफिज साहब कैसी खूबसूरती के साथ इस दुख को जाहिर करते हुए फरमाते हैं, हाफिज इश्क सज्जन दे दुखड़े जो पाए सो पाए पर बद नजर जमाने दी थी आशिक रब बचाए। तो मालूम नहीं होता
शंकर के सब प्रेम छा थोड़ी भूमि शंकर भी है। फिर ऐसे शरीर लोगों को संबोधित करके फरमाते हैं, साधी आंख में तोड़ी मिला बड़ी खुदागा बंदा, क्योंकि जाने ले साडा चंगा है कि मुंडा। नवे नवे प्रेत गाड़ी थी बाहर निकल खलोया, पहले मेरे थी बाप मेरे भी जन्नत छिड़िया होया। इस गलती में करी भरोसा कीते करम चंगेरे, खबर नहीं जो रोज अगल दे क्या लिखिया हक तेरे। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब मैंने सब जीवों में एक ही मालिक को हाजर नाजर जान लिया है, तो यह शरीर लोगो तुम्हें इसका दुख क्यों है? यदि मैं अपता हूँ तो मैंने अपनी इज्जत खोई है, तुम हमारी खोज में हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? यदि हम बुरे हैं तो अपने आप में ही बुरे हैं, मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। मेरी इज्जत या बेइज्जती की तुम्हें क्या खबर है? इसका पता तुम्हें उस समय लगेगा जब मेरा और तुम्हारा पर्दा मालिक के दरबार में खुलेगा। तुम अपने अहंकार में न रहो, सच्ची इज्जत उसी की है जिसकी मालिक स्वीकार करे। फिर अपने आप को समझाने फिर अपने आप को समझाते हुए फरमाते हैं कि यह कबीर तीन का ख्याल छोड़कर अपने राम नाम के रस से मस्त रहे। ऐसे आशकों की महफिल में आकर जब दूसरे लोग शरई लोगों के जुल्मों सितम की बातें सुनते हैं, तो कई बार आशिक अपने प्रेम की शराब के नशे में मस्त हुए हुए पुकार कर तेज देते हैं। खिड़के पोष मकार जहाज रू जाकर आंखों पाई, बुद्धि कैंची करके उठते क्यों फिरदा कतराई। ठगी वाले खिड़के पाके तुझ क्यों जग बदराया, नाल दगे दे लोकां ताई हकदा राह खुलाया। मैं खाने दे बिचों जग में सब मुरादा पाईया, खान कहां ते होर मसीता ताहू दिलों पलाईया।
एक सच्चा आशिक प्रीतम के रंग में रंगा जाता है, उसकी जात मालिक की जात हो जाती है, वह बाहर वाले रंगों से आजाद हो जाता है और प्रीतम के प्रेम में चूर चूर हुआ हुआ उसकी धुन में जीता करता है। उसको दुनिया के कुकरों की मांग से कोई गर्ज नहीं रहती, दुनिया की मांग बढ़ाई सब प्रेम के बहते पानी की तेज धार में बह जाती है और वह सबको सलाम कर देता है। मौलाना जमालुद्दीन इसी शोरा जी फरमाते हैं कि मेरी बागडोर को गम खींचे हुए जा रहा है और मैं जल्दी जल्दी दौड़ा जा रहा हूँ, इसलिए खुश दिल दस्तों को मेरा सलाम कबूल हो। भाव मेरे इश्क की बागडोर गम के हाथ नहीं रहूंगी और प्रीतम से मिलने की तरफ मुझे उसकी ओर दौड़ाए लिए जा रही है। इस मुझे प्रीतम से मिलने का शौक इस कदर है कि मैं गम से भी दो भाग आगे जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कुछ दिन दोस्तों को सलाम कहता हूँ। अपनी साहब फरमाते हैं, दीन कर्म की योग में नहीं आशिक हां दिल बरदा, मिलन अते बिछोड़ा कैसा तलब इश्क भी करदा। पाग नबी है यार साडा अंदर दोहा जहाना, जन्नत दोजख लोड़ ना कोई ना पूरा गुलमाना। आशिक जेकर आशिक है फिर भी आख नाई, दीन कर्म की लोड़ ना हुंदी सच्चे आशिक ताई। हाफिज साहब ने अपने मुर्शिद की शरण में आकर सब कर्म धर्म छोड़ दिए। जब उन्होंने चेला छोड़ा तो दस्तूर और अपनी आदत के मुताबिक खुद मौलवियों ने फतवा दिया कि यह शख्स काफिर था, इसलिए इस्लाम की शरीयत इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं देती। इस अनोखे खतबे को देखकर उसके अनुयायियों में पुनराम मच गया। आखिरकार बहुत बहस करने के बाद यह तय किया गया कि खुद दीवाने हाफिज को खोल कर ही आवाज ली जाए। अतः इस मतलब के लिए अब दीवाने हाफिज खोला गया तो यह शेर निकला, ऐ जानी दो हाफिज के जनाजा की नमाज में जरूर शामिल हो, जो कि भले ही वह था तो गुनाहगार, परंतु यकीन मानो कि वह जा रहा है, उनकी मंजिलों को। आप आमतौर पर फरमाया करते थे कि खास और आम में से किसी को भी मेरे दिल के राज का पता नहीं। बस देख लो पिकंबर तो सब जात मजब का कख न छे आदत बहुत पुरानी, ऐन समझे सीन समझे काफ दी कुल कहानी। सौरभ दी हुर जिथे जावा मैनू धर्मराज दा टोके, तेरा जमया जहां ते जेड़ा इश्क मेरे ते अगला अगला अमल
सीधे पेश पै जावे राखी पड़े इसके आप भी हबल्ला सीधे कम हबल्ले सीधे पेश पै जावे राखी शरदा निकले इसके आप भी हबल्ला नीचिया जान के लखा आन मुहारी ए ना सोमे ना सोमन दे बन पैंदा बाद बिहारी ना सोमे ना सोमन दे बन पैंदा बाद बिहारी ए माग मग दाखर दूजे किथों खरीदा पारी ए माग मग दाखर दूजे किथों खरीदा पारी उठी अकल फिक्र दिया सब भुल जांदिया इश्क मचाने तारी इश्क आप भी अवला इसे कम दे अवले इश्क आप भी अवला इसे कम दे अवले इसे पेश पै जावे काकी सारे दाने पले इश्क आप भी अवला इसे कम दे अवले इसे पेश पै जावे काकी सारे दाने पले तेरी मिर्च की तू कदों क्या सी सानू बना दे तू कदों क्या सी अरशा तो दे तके उस फर्श दे उते पचा दे तू कदों क्या सी नूर चो नूर जगा करके इस खाक दे बिचरला दे तू तैनू तेरे इश्क ने तंग कीता तू ताइयो खेल विचारना तेरी बनाई ही सूरत नहीं दे तू देख दरबा ए गुनाहगार बंदा बना दिता ऐसी इश्क ने सिर मग ते कुछ उल्ट के हाके छलिया ऐसी इश्क ने सिर मग ते कुछ उल्ट के हाके छलिया कईयां दे पोषण हा दिते तू सूई चढ़ा के छलिया कईयां दे पोषण हा दिते तू सूई चढ़ा के जरा अव्वल आखर बेहद की हद बिच चले आके छलिया जरा अव्वल आखर बेहद की हद बिच चले आके इश्क ने काखी मेरा बनूगी बंदा बड़ा के सदया इश्क आप भी अवला कर्म दे अवले इश्क आप भी अवला कर्म दे अवले सीधे पेश बह जावे काखी सब गल पले भज जाओ सारी पांच रुपए भज जाओ जे किसे तो भजिया जावे इश्क नु छड के ए ना नहीं ए इन छड़न दा ए पूरा दफुआ पावे ना नहीं ए इन छड़न दा ए पूरा दफुआ पावे ना नहीं ए ओवी ना जानी ना नहीं ए इन छड़न दा ए पूरा दफुआ पावे पा सकू ता भाग जाओ मैं तजकर इश्क पुतली ए बिंदी पिंदी चौधरी कर गल पांद ना प्रेम जदूरी बंदा का बेचारा की भज सकदा ओ तो रब भी ना हले इश्क आप भी अवला ये ते कर दे अवले ये पेश पै जावे रानी है लोगों का सजदा काबे की तरफ होता है परंतु प्रेमियों का सजदा अपने प्रीतम की ओर होता है। गोविंद सिंह एक मौलवी से वो कभी तुम सीधा करे कहते न कभी तुम पूछे जी क्या मैं आज मेरे कावे पर आज मेरा कावे तो जी को गोविंद सिंह और तुम दो जानते की नमाज सजदा आदि करने में होती है परंतु आशिकों की नमाज शरीर की सुख दुख के भूल जाने में होती है। जाहिदों का वजू हाथ में धोकर होता है परंतु प्रेमियों का वजू दुनिया की तरफ से हाथ धोना है क्योंकि मुसलमान खुद ने लिखा है कि जब तक तू दुनिया की तरफ से
हाथ नहीं उठा ले, भाग दुनिया के ख्याल नहीं छोड़ दे, मालिक को याद भी न कर, क्योंकि शरीयत में वही किए बिना नमाज जायज नहीं दी जाती। जिक्र है कि एक बार लैला मजनू की तरफ जा रही थी, रास्ते में एक काजी साहब नमाज पढ़ रहे थे, वह उसके सामने से निकल गई। काजी साहब को बड़ा गुस्सा आया और आग बुझला होकर दो चार गालियां सुना दी कि किधर से उसकी नमाज को कजा करने को आ निकली। लैला अपने यार के तसव्वुर में मस्त चलती रही। उसने न काजी को देखा, न नमाज और उसके किसी कलाम को ही सुना। जब वापस आई तो काजी साहब लैला के इंतजार में खड़े थे। उसको देखकर माफी मांगने लगे और प्रार्थना की कि अपने बाप के पास इसका जिक्र न करना। लैला बिचारी उसकी बातें सुन सुनकर हैरान हो रही थी और पूछने लगी कि काजी साहब आप किस बात की माफी चाहते हैं। काजी साहब ने अपनी नमाज के कजा होने का सारा किस्सा कह सुनाया। लैला ने कहा कि काजी साहब आप डरे मत, परंतु सच बताओ कि आप किसकी नमाज पढ़ रहे थे। काजी ने जवाब दिया कि सच्चे खुदा वाहदला शरीफ की। लैला ने कहा कि मैं अपने महीने की नमाज पढ़ने में लगी हुई थी और मेरी आत्मा उस यार के दरवाजे पर सिजदा कर रही थी। मुझे न दुनिया की खबर थी, न दिन की और न ही तेरी नमाज की। मुझे तो यह खबर ही नहीं थी कि तू कहाँ नमाज पढ़ रहा था और तूने मेरे बारे में क्या कुछ कहा था। मैं तो आपकी बातें सुन सुनकर हैरान हो रही हूँ। मेरा यार एक खाकी बंदा है जिसकी तरफ मैं जा रही थी और उसके ध्यान में इतनी मस्त थी। लानत है तेरी नमाज पर कि दोनों जहान के मालिक इतना प्रेम है हैं? दोनों जहान के मालिक की नमाज में और तेरा ख्याल इधर उधर फिरे। बंदर सुने भाई एक तो आ गया नमाज के तय बल देख, नमाज के तय बल देख, मैं मुकावा भूल गया। मैं रखा के तेरी शरा नु रखा, मैं अगला भी गुर आई। पहला बैरी बन है ले दूसरा बैरी मुठान, पहला बैरी है ले दूसरा बैरी मुठान। तीजी बैर में दुख है जड़ी करना दे दे दान, तीजी बैर में दुख है जड़ी करना दे दे दान। चौथी बैर में नींद है जड़ी जपना दे दे नाम, चौथी बैर में नींद है जड़ी जपना दे दे नाम। पंजी बैर में माया है जिन बोले खबी खान, पंजी बैर में माया है जिन बोले खबी। शीवा बैरी जवाक दिला जिस बिछोया गलतान, शीवा बैरी कम है जिस बिछोया गलतान। सत्तवा बैरी लोभ है के निगा चली अखवान, सत्तवा बैरी लोभ है के निगा चली अखवान। अठवा बैरी का है जरा खरे सुराने आन, ऐली बैरी हिंदो दसो कि बचे अनपन। कहना भाई संत किनारे हो रहे जिन्होंने जप लिया नानक नाम। चौथा आहद सी यारो कन बनिया, चौथा आहद सी
पसारा हो कल भरिया यार दिया गल्ला मीठा यार जागर यार दिया गल्ला मीठा यार जागर आदम ता बेचारा यार कल भरिया रब यार तुम मेरा नी रहना लोगों ने कहना चंग बनने आपने कुछ के नजारे प्यारे दार लोगों ने कहना चंग बनने जाना आहद की या अहम दिखी फिर पुल फसारा हो कल बढ़िया जाना दिल कला आत्म का बेचारा यारो कल बढ़िया जब सोचा खुदा ने करपुना जदों सोचा खुदा ने करपुना ऐसी कोई खेल बनावा मैं भी बापने भी फिर लई मैं जीया समान बसावा एक गल्ला ने फिर पहन दिया एक गल्ला ने फिर पहन दिया फिर मेरा नजारा कल भरिया एक गल्ला ने फिर पहन दिया फिर मेरा नजारा कल भरिया जाता ओ हद की हद की फिर पुल पतारा ओ कल भरिया यार बनावा ख्याल आया अपने नीर चो नीर जदा करके यारी उस नाल लावा ख्याल आया एक गल्ला ने किन्ने तेजी भी पह बदिया एक गल्ला ने किन्ने तेजी पह बदिया एक कुतुब सितारा यार कल भरिया एक गल्ला ने किन्ने तेजी पह बदिया एक कुतुब सितारा यार कल भरिया किसे शायद नाम निशान लिखा आप खुदा बंद कला सच ए दिन ही कुछ कह सकता जा बंदा सी जा अल्लाह सी बस सब तो पहले मेरा मुर्शिद सी बस सब तो पहले मेरा मुर्शिद सी रब का बेचारा यार कल बनिया बस सब तो पहले ए रब का बेचारा यार कल बनिया सत हरी के लाड लिया संत हरी के पीत जे कर जग कित संत ना मुझे तेरा मौजूदा दाऊ बस सब तो पहले मेरा सब दूसरी एक रब का बेचारा यार कल बनिया जाता आहद की तैन सामने बहा के मैं तकदा रहा तैन सामने बहा के मैं तकदा रहा सारा जिसम मेरा अखा हो जावे सारा जिसम मेरा अखा हो जावे नाम ताज किसे मैं अखदा रहा सारा जिसम मेरा ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਬੈਠਾ ਆਪੇ
पंज तत् का मैं बना के बिचवर बैठे आपे आपे मुंडे आपे कुड़िया आपे बनदा मापे ओ आपे मुंडे आपे कुड़िया आपे बनदा मापे आपे जमे आपे मारे आपे करे से आपे आपे जमे आपे मारे आपे करे से आपे दिले शाद खुशी मेरी पूरा बुद्धि अखा हो जावे नाम ताज किसे नहीं तेरे दिखन तो मेरा दिल भर दा तैनू देखदा रहा मैं एहो जी करदा तैनू देखदा रहा मैं एहो जी करदा तैनू देखदा रहा मैं एहो जी करदा ओदे सामने तेरा मेरे मेरी सुपुता ओदे सामने तेरा मेरे मेरी सुपुता मन सुन दे उत्ते मैं लटकदा रहा जो कुछ कह दिया दुनिया मैनू कह दी है जो कुछ कह दिया दुनिया मैनू कह दी है पर छाप दी नींदी पैदी रहे सीढ़ी चढ़दा रहा हल लहदी रहे सीढ़ी चढ़दा रहा हल लहदी रहे चाहे लखदा रहा चाहे लखदा रहा कले बैठ के राज न्याज होवे बंदे ते बंदा ए न्याज होवे तेरा देखना मेरी नमाज होवे तेरा देखना मेरी नमाज होवे मैं सुनरे का मैं तकदा रहा मुसलमान नहीं पता नहीं है मुसलमान रब थाल खातर जान मदीने वटे मुसलमान रब थाल खातर जान मदीने वटे बिना गुरु तो अन्नी दुनिया खांदी फिरदी थके बिना गुरु तो अन्नी दुनिया खांदी फिरदी थके ਗੁਰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਭਾਲਦੇ ਰੱਬ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਗੁਰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਭਾਲਦੇ ਰੱਬ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਬਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੰਗਦਾ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਜੀਰ ਪੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸੱਜ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੜਨ ਭਰਾਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਮੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੀ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੋ ਦੀ ਵੀ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ
कितने मर्जा गलत कर ले मन तेरे गए चला आवे ओ जिन्ना चिर खे गुरदे हथ चला आवे ओ जिन्ना चिर खे गुरदे हथ चला आवे मन तेरे बस गैर चीजा देख बिगड़ पैदा फरा गैर चीजा देख बिगड़ पैदा फरा कहता इसे गली आना मैं का इसे गली जाना कहता इसे गली आना मैं का इसे गली जाना आखिर मुर्दा न किते डंडा खाते तेन चाला तीर दे मन ऋषि देन गुरु गोरी खाले तेन चाला तीर दे बड़े बड़े आरफ रहाई दे सुबेरे एने सुतले बचाले पहुंचे मंजल मेरे कै जाता रास्ते चलाल चलाले गुरु तेन चाला तीर दे मन ऋषि देन गुरु गोरी खाले गुरु तेन चाला तीर दे बड़े मन तेरे बंदना आवे ए मन तेरे बंदना आवे जिदा चिर किसे गुरदे हथ च ना आवे जिदा चिर किसे गुरदे हथ च ना आवे वीर शरदन तेन नक पाको गुरे तेन चल दिले मन छिदे नजर दी दोरी पाको गुरे तेन चल दिले ए मन तेरे कैर चीजा देखिए बिगड़ पैदा पाला कैर चीजा देख बिगड़ पैदा पाला ऐसा इसे गली आना मैं इसे गली जाना मैं इसे गली आना मैं इसे गली जाना आखिर मुर्दा नक ते गंगा खाते हो तुम्हें तेरे चाला पीले आदर सुने तेरे पाते हो तुम्हें तेरे चाला पीले कल इतनी हूँ कल इतने रहे कल सुनने पाओगे सब से ठीक है प्रेमियों का दर्जा आबदों और जाहिदों से बहुत ऊंचा है क्या है जहाँ पर वे हजारों वर्षों में नहीं पहुंच सकते प्रेम की शराब के नशे में मस्त प्रेमी एक आम आदमी से ही पहुंच जाते हैं जब पूर्ण प्रेम आ जाता है तो तन मन धन ज्ञान और प्राण खुद ब खुद उसके ऊपर कुर्बान होते चले जाते हैं इंसान सब बंधनों से छूट जाता है आत्मा के रास्ते में कारोबार की परवाह नहीं करती इसी परवाह नहीं कभी चल करी जानी आगमा के रास्ते में राय जितने दाने की भी आगे कम बढ़ गया सीधा सतगुरु के चरणों में जाता है परंतु इस राज को वही लोग जानते हैं जिन्होंने प्रेम कमाया है तन मन और धन मुर्शिद पर कुर्बान किए हैं सुर्ख शब्द के साथ जुड़ी है और अंदर सतगुरु के चरणों के साथ लगी है दूध प्रेम तन खींच रहे राय को चरण कमल मन देव बुजन सुर्ख संयोग
गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि सब पंख और वेद इस प्रेम से खाली द्वारों की तरह फिर रहे हैं। प्रेम को विसार के आखिर नंकों के भाग्य बनते हैं। पंखा प्रेम में जाने बुली फिरे द्वार, नानक हर बिसराय को पौधे नरकनार। शमक कवरेज साहब फरमाते हैं कि क्या मोमन, क्या मुशर्रफ, क्या तुरसा, क्या गोसी और क्या यहूदी, सब देखदारी अपने दिल की इस दौलत से बेखबर है। दुनिया के तालबों से बढ़कर आबदों का दर्जा है, जिन्होंने इबादत की, पाप आदि बुरे कर्म करने से रुके, दोजख से बचे और जन्नत प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म किए। उनसे बढ़कर जहादों भाग तालबों में आखिरत का दर्जा है, जिन्होंने जन्नत और पूरन की चाह में दुनिया त्याग दी और इबादत में लगे। इन सबसे बढ़कर आशिकों का दर्जा है, जिन्होंने मालिक की मोहब्बत में कदम रखा और उसके इश्क में दुनिया और आखिरत दोनों को भूल गए। मेरे जाते हैं जो उनका पेट में उसको ले गया कलंदर साहब फरमाते हैं कि ना मैं बेदे की आग से डरता हूँ, ना जन्नत की कोई गर्ज रखता हूँ, मैं तो पूजन का आशिक हूँ, मुझे फूलों से क्या मतलब। इसी तरह बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मुझे मैं किसी धर्म और किसी ईमान से गर्व है और मैं किसी पाप और पुण्य से, मुझे तो सिर्फ पूजन चाहिए। पापी ना से तरुणा पाप कुंभ राह न जा, बुल्ला शाह जो हर चित लागे हिंदू तुर्क दो दिन त्यागे। कबीर साहब फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वैकुंठ में जाना चाहता है, परंतु मुझे इसका ख्याल तक भी नहीं। इन लोगों को अपने अंदर का ज्ञान नहीं, बातों बातों से सुना सुनाया वैकुंठ वैकुंठ कर रहे हैं। जब तक अंदर से वैकुंठ जाने का ख्याल नहीं मिलता, तब तक मालिक के चरणों से निवास करने की जगह नहीं मिलती। सबको चलन चहत है उन्हें, मैं जानू वैकुंठ है कहाँ। आपका मर्म में जाना, बातें ही वैकुंठ बखाना। जब लग मन वैकुंठ की आस, तब लग नहीं चरण निवास। एक दिन राजा वसरी उदास बैठी थी, दर्शन करने वाले लोगों में से एक ने पूछा कि आप आज उदास क्यों हैं? जवाब मिला, आज मेरा दिन वैश्य की सैर करने को चला गया था, जिसे मेरे प्रभु ने मुझे फटकारा, क्योंकि मेरी होकर अब तक तेरी मखलूक की प्रस्तार है, इसलिए उदास हूँ। देखो भाई आते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और खासी दुनिया और आखिरत दोनों से गुजर गया। उसकी आँख में सिवाय तेरे पीछे की खास से कुछ नहीं समाता। मालिक की एकता की शराब को वही मनुष्य चख सकता है जो दुनिया और आखिरत दोनों को भूल गए। हाँ, 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 हाँ
पता है कुछ नहीं कि दुनिया हराम है, आखिरत के ख्वाहिशमंदों पर और आखिरत हराम है, दुनिया के बंदों पर और यह दोनों हराम है रब के बंदों पर। मौलाना जानी साहब जहाद और आशिक का आपस में अंतर वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि जहाद आखिरत की तलब में रियाजत के कामों में खुश है और प्रेमी सीधा मालिक की तलब में उसके इश्क में लगा रहता है। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि किसी प्रेमी से पूछा गया कि तू दोजत की ख्वाहिश रखता है या बहिजत की, जवाब दिया कि मेरे पास इनकी बाबत से जिक्र ही न कर, मैं तो केवल इस बात का इच्छुक हूँ जो मालिक मेरे लिए चाहे। मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यदि कोई आखिरत और उसके सुखों को हासिल करना चाहता है तो उसे दुनिया के पदार्थों और उसकी हवसों से मुंह मोड़ना चाहिए। यदि कोई ईश्वर की रजा और उसके मिलाप को हासिल करना चाहता है तो उसे आखिरत के सुखों को दिल से निकाल देना चाहिए। कल फिर दुनिया के काले बिगड़े आखिर के काले स्त्री हैं माले के काले मर्द हैं बाकी सब बाजू बाजू मैं बर मेरे बस नहीं हाजियों के सरदार, मेरे पास हाजियों की तारीफें न कर, क्योंकि तूने तो वह घर देखा है जिसे खाना है खुदा कहते हैं। मुझे उस घर के मालिक तथा खाने के खुद दीदार होते हैं। हजरत फरीद अल-दीन अतार साहब मालिक से उसके इश्क का दर्द तलब करते हुए फरमाते हैं कि काफिरों को कुफर और दीनदारों को दीन मुबारक हो, हमारे दिल को अपने दर्द का एक कण बख्श दे। मन मंदर
बजर गंगा है कमड़ मन नारे दीन रखे नारे अमान रखे नारे दीन रखे नारे अमान रखे नारे तीन रखे नारे जहान रखे नारे तीन रखे नारे जहान रखे दोहा बेड़िया वाला बंदा दुख मारदा दोहा बेड़िया वाला बंदा दुख मारदा उनका नजर जमाला मका एक पासे नाले सिख नहीं सिखदिया नाले सिख ना इश्क दिया रितानी नाले पढ़ दानी दिलों बजरी तानू कोई मनने वाला कभी ना तरदा कोई मनने वाला कभी ना तरदा इतना कज मुटकला मता इक पाते अगर पीर नजर अगर काबा है इतना सिर मुटकला मता इक पाते अगर पीर नजर अगर काबा है इतना सिर मुटकला मता इक पाते नाले दुनिया के बिच बिच लत रखी रहे नाले बिच निर्देशों के तू हक रख रहे भुखा मरदा परौना यारे तो करदा भुखा मरदा परौना यारे तो करदा जिते लभदिया खाला माता इक पासे भुखा मरदा परौना यारे तो करदा जिते लभदिया खाला माता इक पासे ऐ जी पीर दा दर तेरे सजदे रही ऐ जी पीर दा दर तेरे काबा है तूका सिर बिच काला माता इक पासे कावे गया का इतना देखिया गंगा दिया का पानी हिंदी मुस्लिम चबीर दे मर दे यार गल तो माने भी जारू अभी पीर बदार अगर काबा है ना सिर बिच काला माता इक पासे अगर मन मिल गया अगर गंगा है अगर मन मिल गया अगर गंगा है उनका मन मन नाला माता इक पासे इसको दरबार में तो कारण नहीं है चलो सीखे अगर दर्शन का भजन से एक कर प्यारा अगर दर्शन का भजन से एक कर प्यारा जीत करी दे आलस तो जीत
अगर मैं प्रेम दर्शन का भजन से एक कर प्यारा अगर मैं प्रेम दर्शन का भजन से एक कर प्यारा
प्रेम लगो हर दूर मेरे मन, प्रेम लगो हर दूर, प्रेम लगो हर दूर। दर्शन शांत शरीर मेरे, दर्शन शांत शरीर मेरे, प्रेम लगो हर दूर, प्रेम लगो हर दूर मेरे मन, प्रेम लगो हर दूर, प्रेम लगो हर दूर। गुजरदा जंगाए ए वक्त गुजरदा जंगाए, हर एक सदा सुनेगा पर लखाई तो पाई विरला मुलवकत दा पांदाए, ए वक्त गुजरदा जंगाए हर एक सदा सुनेगा। किसन वक्त बनावे राजा, किसन वक्त बनावे राजा, किसन दर दर रोले जी वक्त किसे दे तेरी पेंदा, वक्त किसे दे तेरी पेंदा, किस दे सिर चढ़ बोले किसे रवांदा है, पर लखान तो कोई वीरना मुलवत दा पांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा है। एक दिन ऐसे वक्त में यारो, एक दिन ऐसे वक्त में यारो, बन बन राम रुलाया सी ऐसे वाकी हरी सुंदरदार, राजपाट छुड़वाया सी कितना पांदाए, ए वक्त गुजरदा जंगा, गया बचपना आई जवानी, गया बचपना आई जवानी, ए भी इन दिन तुर जानी, वांग बरस देवी बंदिया, वांग बरस देवी बंदिया, तुर दी तुर जानी।
खान जो कोईरला मुलवत दा पंदाए देवक गुजरदा जंदा तनु सुनर दे जिसने जग विच बुलवत दाबाया अंदर वाले सतगुरु जी दा रज रज दर्शन पाया जेड़ा सतगुरु जन्म मर मुक जाए पर वक्त गुजरदा हर एक सदा अब तो सोच समझ कर भैया चाल गलती में जो कुछ बनी सो बनी अब तो सोच समझ कर भैया चाल गलती में जो कुछ बनी सो बनी तेरी बेमानी बदमाशी के खुले नहीं पटकार तेरी बेमानी बदमाशी के खुले नहीं पटकार मुर्ख मेरे खुले नहीं पटकार बिना पढ़ाए आपे पढ़ गयो जितने से कर मंदाल कुबद की ना कोई कोठी बनी अब तो सोच समझ कर भैया चाल गलती में जो कुछ बनी सो बनी तेरे कर्मों के आगरे बावड़ा कोई ना बांधे पाल तेरे कर्मों के आगरे बावड़ा कोई ना बांधे पाल मुर्ख मेरे कोई ना बांधे